हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने चैनल ऑनलाइन अर्निंग में। दोस्तों ये वीडियो क्वेश्चन आंसर सेशन होने वाला है। ये वीडियो संडे कमेंट बॉक्स का वीडियो है, तो इस वीडियो में आपके क्वेश्चन का आंसर मिलने वाला है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, उसके रिप्लाई देने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम ना लेते हुए डायरेक्ट टॉपिक पे ही चलते हैं और ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन पूछा है कुमार 123 ने। इन्होंने पूछा है कि सर एवरी विड्रॉल में पिन लेना पड़ेगा क्या? देखिए एवरी विड्रॉल में पिन लेना जरूरी नहीं है। आप एक बार पिन ले लीजिएगा, पिन वॉलेट में ₹150 ट्रांसफर करके ₹124 की पिन लगा लीजिए ले लीजिएगा। उसके बाद आप हर बार विड्रॉल लगा पाएंगे। हर बार विड्रॉल लेने के लिए आपको पिन वॉलेट में पैसा लेना जरूरी नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है RGO24 भागीरथ चौहान का, और इन्होंने पूछा है कि सर जी मेरा ₹500 कट गया है। देखिए अगर आपका ₹500 कटा है तो कहाँ कटा है, किस वॉलेट में ट्रांसफ़र किया है, या आपने पिन वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया है, या तो किस आपकी मोबाइल में किसी और ने आईडी लॉगिन करके आपके मोबाइल में, और उसने किसी और जो भी आपके साथ हुआ है वो सारा कुछ आपकी आईडी में ही शो करेगा। उसके लिए सबसे पहले आपको करना ये होगा, अपनी आईडी लॉगिन करिएगा। लॉगिन करके विजिट वेबसाइट पे जाइएगा और वहाँ पे वो आपको गूगल क्रोम में लेके जाएगा और वहाँ पे 3 लाइन पे क्लिक करिएगा और उसमें वॉलेट वो इन्फो पे क्लिक करिए, वॉलेट पे क्लिक करिएगा, फिर वॉलेट इन्फो पे क्लिक करिएगा और उसमें लाइफ टाइम बैलेंस मनी के जस्ट सामने व्यू डिटेल लिखा होगा, व्यू डिटेल पे क्लिक करिएगा तो उसमें पूरी डिटेल लिखी होगी, वहाँ पे कहाँ से पैसा कितना क्रेडिट हुआ है, कहाँ से डेबिट हुआ है और किस वॉलेट में गया है, कहाँ इस पैसे को ट्रांसफ़र किया गया है और कहाँ से ये पैसा आया हुआ है, वो सारी डिटेल वहाँ पे लिखी है। आप जाके चेक कर लीजिए, आपका वहाँ पे शो कर जाएगा कि आपका ₹500 जो कटा है वो कहाँ गया है, किस वॉलेट में गया है, वहाँ पे सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन किया है शिफाली सिंह ने, और इन्होंने पूछा है कि मेरा बैलेंस मनी नहीं कटा है NS7 में, मैं क्या करूँ, आप बताइए। देखिए अगर आपका बैलेंस नहीं कटा है तो वेट कर लीजिए, अगर आपने विड्रॉल लगा लिया है तो ठीक है वेट कर लीजिए आने का, और अगर नहीं लगाया है तो आप ज़्यादा रेफर करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत ही कम 1% चांस है कि पेमेंट दे। तो आपने ₹100 से ऊपर इकट्ठा कर लिया है तो वेट कर लीजिए, अगले महीने में आप विड्रॉल लगा लीजिएगा, आ जाएगा तो ठीक है, ऐसे कम चांस है आने का। तो अगर आपका वैसे मैं आपको बता दूं, जिन मेंबर्स ने 7, 5, 6 से ऊपर रेफर कर दिया था, रेफर करके इनकम कर लिया था, वो सभी का विड्रॉल ज़ीरो कर दिया गया। ख़ास तौर से उन लोगों का बैलेंस ज़ीरो किया गया है जिन लोगों ने विड्रॉल लगा रखा था। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है संजय मोहिनी का, इन्होंने पूछा है कि यूटिलिटी में विड्रॉल कब लगेगा। देखिए यूटिलिटी में जो विड्रॉल लगेगा वो 11 से 24 तारीख के बीच में लगेगा और 25 से मंथ की लास्ट डेट के बीच में आपका पेमेंट आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है जसविंदर सिंह का, इन्होंने पूछा है कि सर OTP नहीं आ रहा है। सर देखिए OTP आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दोनों पे ही आ रहा है, दोनों में से चेक कर लीजिए। अगर आपका नहीं आ रहा है तो आधे घंटे बाद कल या परसों से आपको आज से ही आपको रीसेंड OTP का ऑप्शन आधे घंटे बाद मिल जाएगा, रीसेंड आप कर लीजिएगा। 24 घंटे में एक बार ही आपको रीसेंड का ऑप्शन मिलेगा, आज नहीं हो रहा तो कल कर लीजिएगा, काफ़ी टाइम है विड्रॉल लगाने के लिए भी और आप आराम से कर सकते हैं। अगर आपका नहीं हो रहा है उस दिन, ज़रूरी है आईडी लगाना किसी की, तो आप अपने डाउन में चेक कर लीजिए और आपके डाउन में नहीं मिल रहा तो अपने अपलाइन से बात कर लीजिए, आपको पिन मिल जाएगी वहां से। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अख्तरुल का, और इन्होंने पूछा है कि मेरा नाम अख्तरुल है, मैं 1 मार्च को ही पिन वॉलेट में पैसा ट्रांसफ़र करके रिचार्ज ऑलरेडी कर चुका हूं, किसी का पिन बना चुका हूं, तो क्या 11 के बाद विड्रॉल लगा सकते हैं या नहीं।
अगर आपने पिन वॉलेट में ट्रांसफर करके 124 वाली पिन बना चुके हैं आप, या उससे ऊपर वाली भी बना चुके हैं, क्योंकि पहली बार जब आप पिन बनाने जाएंगे तो 124 की ही पिन बनेगी, उसके बाद ही आप कोई भी पिन बनाने का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। तो आपने पिन वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करके पिन बना लिया है तो बिल्कुल आप 11 तारीख से 24 तारीख के बीच में विड्रॉल लगा पाएंगे। आपको पिन वॉलेट में ट्रांसफर करने की कोई ज़रूरत नहीं, मतलब कोई ज़रूरी नहीं है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है टेक्निकल गाइस का, और इन्होंने पूछा है कि सर मेरा फर्स्ट विड्रॉल सिर्फ 100 रुपये का लगा है। ओ, उन्होंने बोला है कि मेरा फर्स्ट विड्रॉल सिर्फ 100 रुपये का लगा है और सब लोगों का 194 रुपये का, ऐसा क्यों? प्लीज़ टेल मी, मेरे पास प्रूफ है सर, प्लीज़ हेल्प। सर देखिए, 100 रुपये का विड्रॉल तो नहीं लगता है यहाँ पे, और 194 का भी विड्रॉल नहीं लगता है। दोनों ही विड्रॉल आप गलत बता रहे हैं। 194 रुपये का कोई विड्रॉल नहीं है। पहले 224 का विड्रॉल लगता था जिसमें से 190 रुपये आते थे, फिर हाल में वो बंद हो चुका है। और अभी पहला विड्रॉल जो है वो 150 रुपये पिन वॉलेट में लगती है, उसके बाद आप रिचार्ज वॉलेट में 500 मैक्सिमम और मिनिमम 500 रुपये का विड्रॉल लगा सकते हैं, और उसके बाद 1000 से लेकर 4999 तक आप IMPS में लगा सकते हैं, 5000 से लेकर अनलिमिटेड तक और बैंक विड्रॉल आप लगा सकते हैं। तो 100 रुपये का कोई विड्रॉल है। हो सकता हो कि आपने अपने पैसे को किसी और वॉलेट में ट्रांसफर कर दिया हो, लेकिन आपको लग रहा हो कि आपने विड्रॉल लगाया है। अगर आपने ऐसा किया है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कैसे विड्रॉल लगाना है, तो आई बटन में, और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरी वीडियो दे दूंगा, आई बटन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उस पर क्लिक करिएगा तो वहाँ पे आपको विड्रॉल लगाने का भी वीडियो मिल जाएगा, और वहाँ पे विड्रॉल कैसे लगाना है वो वीडियो आप देख लीजिएगा। और कोशिश मैं करूँगा कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं दे दूँ, तो उसे आप चेक कर लीजिएगा, उसके बाद आप आसानी से विड्रॉल लगा पाएंगे और आपको विड्रॉल से रिलेटेड जो भी कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो जाएगी। तो चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गौरव सेट्ठी का, और इन्होंने पूछा है कि सर मेरा OTP नहीं आ रहा है बोथ फ़ोन और मेल में। देखिए, कुछ लोगों का OTP फ़ोन और मेल दोनों में ही नहीं आ रहा है, ये MD सर ने भी क्लियर किया है। तो कल से आप सभी को रीसेंड OTP का भी ऑप्शन मिल जाएगा, आप 24 घंटे में एक बार रीसेंड भी कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है तीर भाई तीर, इन्होंने पूछा है कि हेलो सर, 1209 रुपये का पिन बैलेंस लेने के लिए करेंट बैलेंस मनी में कितना होना चाहिए, प्लीज़ रिप्लाई सर। तो सर अगर आप 1425 रुपये ट्रांसफ़र करते हैं तो आपको 1212 रुपये बच वहाँ पे 15% कटने के बाद 1212 रुपये मिलेंगे, और 150 रुपये और ट्रांसफ़र कर लीजिएगा आप। पहले फर्स्ट पिन आपको 124 रुपये की बनानी होगी, 124 रुपये की बना लेंगे तभी आपको 1209 वाली ID बनाने का ऑप्शन मिलेगा। तो पहले 150 रुपये ट्रांसफ़र करिएगा, फिर 1425 रुपये ट्रांसफर करिएगा, तो आपका आराम से हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम। अगला क्वेश्चन है एनामुल हक का, और इन्होंने पूछा कि सर विड्रॉल यूटिलिटी बैलेंस में आएगा कि नहीं। इन्होंने पूछा है कि विड्रॉल यूटिलिटी में आएगा कि नहीं। हाँ बिल्कुल, यूटिलिटी में आपका आएगा और रिचार्ज भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है राजकुमार साहू का, इन्होंने पूछा है कि सर मेरे अकाउंट में 700 रुपये थे, मैंने गलती से पूरा बैलेंस पिन वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया, प्लीज सर बताइए पिन वॉलेट से करेंट बैलेंस मनी में कैसे पैसा आएगा। देखिए कोई उपाय नहीं है, अगर आपने पिन वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया है तो वहां से आप पिन ही बना सकते हैं, आप उस पैसे को बैलेंस मनी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। फिलहाल में जो ऑप्शन है वो यही है, अगर फ्यूचर में कोई ऑप्शन आ जाएगा तो मैं नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अभी आप पिन वॉलेट को बैलेंस मनी में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। ये मुझे उम्मीद है कि जब ये अपडेट हुआ था तभी आपने जल्दी जल्दी में अपने वॉलेट को पिन वॉलेट में ट्रांसफ़र कर दिया होगा, मुझे जहां तक लगता है। अगर गलती से भी किया है तो भी आपका बैलेंस मनी में नहीं आएगा। जब भी आप पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हों तो आप ध्यान रखिए, वहाँ पर जो कुछ लिखा हुआ है उसको सही सही पढ़िए, अगर नहीं समझ में आता है तो यूट्यूब में वीडियो सर्च करके देख लीजिए, आपको उसके सारी वीडियोस YouTube में मिलेगी। कहीं नहीं मिलती है तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके ढूंढिए, आपको वो वीडियो जरूर मिल जाएगी।
चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है अजय मौर्य का। इन्होंने पूछा है कि पिन वॉलेट से विड्रॉल कैसे लगाएं। देखिए पिन वॉलेट से विड्रॉल नहीं लगता है, पिन वॉलेट में कैसे विड्रॉल लगाना है इसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। पिन वॉलेट में आप पैसे कैसे ट्रांसफर करेंगे उसका वीडियो मिल जाएगा, आप वहां पे आसानी से ट्रांसफर कर पाएंगे, बिल्कुल ही आसान है। अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है तो मैं कोशिश करूंगा 11 से 12 तारीख को आपको पिन वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करके और विड्रॉल लगा के भी इस महीने मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि जो ओटीपी वाला सिस्टम आया है हो सकता हो कि कुछ लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो, तो कोशिश मैं करूंगा कि आपको उसका वीडियो जरूर दूं। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, आपके यही कमेंट्स हैं जिसका रिप्लाई देना मुझे जरूरी लगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन संडे कमेंट बॉक्स में आए तो आप कोशिश करिए कि फ्राइडे से सैटरडे को रात में 8 बजे से पहले आप अपने कमेंट्स कर दीजिए, तो पूरी उम्मीद रहेगी कि आपका कमेंट्स जरूर संडे कमेंट बॉक्स में शामिल किया जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको वहां पे लगाना होगा हैज ऑनलाइन अर्निंग, उसके बाद आपको अपना नाम लिख के, सही नाम लिख के अपना, और उसके बाद क्वेश्चन लिखना होगा। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए।